मुझे पता नहीं था कि वो नाटक था, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं ऐसे बहुत सारे नाटकों में एक्टिंग कर चुकी हूँ। अभी तो जो कर रही है वो नाटक है, दिखता है मुझे, बहुत अच्छी तरह से दिखता है। जैसे तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन तुझे फर्क पड़ता है और इसलिए मैं तेरा साथ दे रही हूँ। देख मैं मानती हूँ कि ऋषभ मोहिनी का बिगड़ा हुआ बेटा है, लेकिन तू उसे सुधार सकती है और तूने थोड़ा बहुत उसे सुधार भी दिया है, दिखता है मुझे वो भी, वो तेरी फिक्र करता है। नहीं दादी, उसे मेरी फिक्र नहीं है, मैं उसके लिए बस एक जिम्मेदारी हूँ। मैंने उसकी मदद की थी ना, बस इसीलिए वो मेरी मदद करना चाहता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरी मदद करे। मेरे पापा मरते मरते बच रहे हैं दादी, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मेरे पास मेरे पापा के सिवा और कोई नहीं है, और अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो उन्हें कौन संभालेगा? नहीं दादी, मैं यहाँ नहीं रह सकती, I'm sorry, मुझे जाना होगा। ऋषभ ऐसे कैसे जाने देंगे उसे, इतनी रात को अकेले कैसे जाने देंगे, कहाँ जाएगी? कोई नहीं, एम्बुलेंस का इंतजाम कर रहे हैं ना हम। डैड मॉम, एम्बुलेंस आ रही है। और 24 घंटे की एक नर्स उनके साथ भेज देंगे, वो दोनों का ख्याल रखेगी। आप लोग सब समझ क्यों नहीं रहे, ये बेहतर होगा वो यही रहे। लेकिन जबरदस्ती तो नहीं रोक सकते उसे, अगर वो जाना चाहती है, उसका यही फैसला है तो ठीक है। अब ऑफिस में जाने का फैसला कर ही लिया है, व्हाट कैन वी डू? एग्जैक्टली युग, सुरेश भाई साहब को ले आओ और वेद को भी ले जाओ, लोग मदद के लिए जाओ। ऋषभ को चली जाओ, ऋषभ रोक, ऋषभ कुछ बोलना, तू बोलता क्यों नहीं, रोक ना उसे। उसे जाने दीजिए मॉम, शायद जो हो रहा है सही हो रहा है। तुम तो शुरू से ही चाहते थे कि मैं चली जाऊं, मैं ही कुछ ज्यादा दिन रुक गई हूं। जिस दिन कियारा आई उसी दिन मुझे चले जाना चाहिए था। ऋषभ को जा रही है, चली जाएगी, रोक लेना बेटा रोक। कुछ तो बोल ऋषभ, आखिरी बार पूछ रही हूं, जाओ ना। जा सकती हो तुम, आप लोग यही जानना चाहते हैं ना कि मैंने उसे जाने से क्यों नहीं रोका, उसे जाने क्यों दिया? ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस राम, हमारी जिंदगी का कैसा कड़वा सच है जिसे हम सबने देखा है, भोगा है, वो वापस आ गया। वापस मैंने रैना को बताया था कि ब्रह्म राक्षस वापस आ गया है, और ये फैन मैं नहीं जानता कैसे गिरा, ये खुद गिरा है, किसी ने गिराया है, लेकिन आज मैं सोया था इस बेड पे, रोज रैना सोती है, अगर आज कुछ हो जाता तो उसकी जान, मैं नहीं चाहता कि उसकी जान खतरे में डालूं। हो ना हो ये सब कुछ ब्रह्म राक्षस का ही किया था, लेकिन वो ब्रह्म राक्षस है कौन? वही तो पता करना है मॉम, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि उसको सामने लाने के लिए हर बार रैना को सामने डाल दे, उसकी जान खतरे में डाल दे, ये तो गलत है ना, ये प्रॉब्लम हमारे घर की है तो हमें सॉल्व करना चाहिए। रैना भी तो इस घर की है ना, मैं उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। उसे खतरे से बचाना तेरा काम है। वही किया ना दादी, उसे यहाँ से भेज कर वही तो किया है मैंने। इतनी रात गए उसके बेहोश पिता के साथ उसे भेज दिया, इतनी रात गए दादी, कमलपुरा में जाने कितनी ऐसी रातें देखी हमने, देखा है कभी कभी सुबह तक इंतजार करते करते बहुत देर हो जाती है, मैं सुबह तक इंतजार करके और खतरा मोल नहीं लेना चाहता था बस। अजीब बात है, तू देर नहीं करना चाहता था, लेकिन उस देर को दूर करने के लिए इतनी जल्दबाजी कर दी, वो भी इतने अहम रिश्ते में, शादी के रिश्ते में।
शादी एक नाटक थी, नाटक थी, नाटक। लेकिन ऋषभ, एक और रिश्ता भी तो होता है ना बेटा, इंसानियत का रिश्ता। अब ये मत कहना बेटा की तरह वो रिश्ता भी नहीं है उससे। मुझे ये कहना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मोहिनी जो कुछ भी कह रही है वो सच कह रही है। तुझे उसे बचा लेना चाहिए था, तुझे ऐसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए। शब, अगर तू कहे तो हम सब जाएं क्या उसके पास? बहुत रात हो गई बेटा, अकेले है वो। नहीं नहीं, आप लोग मत जाइए, मैं ही देखता हूँ, मैं देखता हूँ। थैंक यू दादी। रम राक्षस, ये वही है, ये उसी की शक्तियां हैं, उसी ने किया ये सब। कौन? राजगिरा मंदिर। अंकल, अंकल, रहना, 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 आँखें खोलो, रहना, आँखें खोलो, रहना, रहना, रहना। पापा ने पूरी जिंदगी मेरी रक्षा की, मेरी जिंदगी को एक मतलब, एक नाम, एक पहचान दिया, और मैंने क्या किया? मैं उन्हें बचा भी नहीं सकी, मैं कुछ कर नहीं सकी, मैं उनके कोई काम ही नहीं आई। ऐसा मत कह रहे ना। अरे मुखाग्नि कौन देगा? नहीं, मैं करूंगी, ये मेरा हक भी है और मेरा फर्ज भी है। हाँ, ये इसका हक है, ये इसके पिता थे और ये उनकी बेटी, तो बेटी का हक पहले लगता है। जाओ, चलो। मैं जानता हूं ब्रह्मराक्षस के बारे में। ब्रह्मराक्षस मरते नहीं है। ये ब्रह्मराक्षस वैसा नहीं जैसे पहले था, ये कुछ अलग है। बस ये उम्मीद करो कि वो राक्षस यहां आए और उसका रूप दिखाई दे। पर इसमें तो बहुत खतरा होगा। खतरा तो है,